आपकी नॉलेज बॉलीवुड के बारे में थोड़ी कमजोर ही क्यों ना हो, मगर आप इनको कभी भूल ही नहीं सकते। ये सोने के पालने में झूले हैं और बॉलीवुड में भी सोने के चम्मच से चटनी चाटते आए हैं, मगर हमेशा इनके चेहरे पर ऑडियंस ने काले खी पोती है। मोहब्बतें से एंट्री लेने वाले उदय चोपड़ा की लास्ट फिल्म का नाम था प्यार इम्पॉसिबल। एक्चुअली इस फिल्म का नाम होना था उदय इम्पॉसिबल, है ना। उदय अपने करियर की गाड़ी को जितना भी मॉडिफाई करा ले, मगर पप्पा का धक्का लगाए बिना वो चलती नहीं है। आफ्टर ऑल चाहे जितनी भी अच्छी बॉडी बना ले उदय, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करा ले, पर जब इंजन ही ठीक नहीं होगा तो गाड़ी तो क्या खाक चलेगी है। फिल्म शुरू होते ही एक दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि इनके साथ पैरअप हुई प्रियंका चोपड़ा। एक नहीं दो दो चोपड़ा, इसलिए तो फट गया खोपड़ा। ये जोड़ी क्या सोचकर बनाई गई, शायद सोचा ही नहीं गया। सोचा तो बस ये गया कि उदय को SRK टाइप, एक गीकी लूजर इन लव टाइप का कैरेक्टर मिला, मानो की हिट का टिकट मिल गया। अरे भाई, हर फिल्म रब ने बना दी जोड़ी नहीं होती है। वैसे ही हुआ, ये जोड़ी रही एकदम फ्लॉप, क्योंकि इसमें प्रियंका बनी एक लड़की की माँ। माँ किस तरफ से प्रियंका एक बच्चे की अम्मा लगती हैं बताइए। फिल्म में वो माँ कम वेरी स्टाइलिश आई कैंडी लगी, मगर एक्चुअली ये कुछ कुछ होता से चुराया गया एंगल था, बस थोड़ा चेंज कर दिया गया। तो सैडली ये जोड़ी स्क्रीन को बिल्कुल भी लाइसाफ नहीं कर पाई। रोमांटिक सीन्स भी ऐसे लग रहे थे जैसे कोई थाई करी में चिकन कोरमा बना रहा हो। उदय ने इस फिल्म में एक और काम किया, नैनी का। चलो अच्छा है ये एक्सपीरियंस लिया उदय ने, क्योंकि आने वाले टाइम में वो फिल्मों में तो नजर आने वाले नहीं है, तो फिर घर पे बैठे बच्चे ही तो संभालेंगे, अपने बच्चे और भैया आदि के बच्चे। प्रियंका और उदय हमारे खानदान पर है नंबर 6।